6 फरवरी 2022 मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हो रहा था। देश दुनिया के तमाम लोग उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे हुए थे। शाहरुख खान भी थे। वो लता के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने मंच पर चढ़े। शाहरुख खान ने पहले वहां खड़े होकर दुआ पढ़ी, फिर अपना मास्क नीचे खिसकाकर झुककर पार्थिव शरीर पर फूंक मारी, जो कि उनकी दुआ का हिस्सा था, पर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई। कहा गया शाहरुख ने थूका है। इस घटना की तस्वीर खूब वायरल हुई। इसमें शाहरुख के अलावा एक और महिला हाथ जोड़े खड़ी हुई दिखती है। वो है पूजा ददलानी। नाम तो सुना ही होगा। आजकल ये नाम टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। कारण है आर्यन खान केस में उनका दखल। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि आर्यन जब ड्रग केस में फंसे तो पूजा ने उन्हें छुड़ाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। खैर, ये सब अभी आगे बताएंगे, पहले ये जान लेते हैं आखिर पूजा ददलानी है कौन। पूजा 2012 से शाहरुख की मैनेजर हैं। शाहरुख का जन्मदिन होता है 2 नवंबर को। पूजा ददलानी का बर्थडे भी इसी रोज पड़ता है। उनका जन्म 2 नवंबर 1983 को मुंबई में हुआ। बॉलीवुड लाइफ के मुताबिक उनके माता का नाम है मीनू ददलानी और पिता का मनु ददलानी। उनकी एक बहन है जिनका नाम गीता है। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई के बाय रामजी पेटेट गर्ल्स हाई स्कूल और HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से की। उनके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी है। पूजा ने 2008 में हितेश गुरनानी से शादी की। हितेश बिजनेसमैन हैं, वो लिस्टा जूल्स नाम की कंपनी के डायरेक्टर हैं। उनकी एक रेना नाम की बेटी भी है। मैनेजर्स का काम ही होता है अपने क्लाइंट का काम मैनेज करना। उन्हें फिल्में दिलाने से लेकर उनकी फीस तक हर चीज का ख्याल यही लोग रखते हैं। शाहरुख की फिल्मों से लेकर उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का ध्यान पूजा रखती है। इसके अलावा IPL टीम KKR भी पूजा ही मैनेज करती है। कहने का मतलब है कि पूजा सिर्फ शाहरुख की पर्सनल मैनेजर नहीं बल्कि वो उनके दूसरे काम भी देखती हैं। कई जगह उन्हें चेन्नई एक्सप्रेस का को प्रोड्यूसर बताया गया है, पर फिल्म में उनका कहीं नाम नहीं है, इसलिए ये एक तरह की अफवाह ही समझी जाएगी। DNA में छपी रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख का काम मैनेज करने के लिए पूजा को सालाना 7 से 9 करोड़ रुपए के बीच फीस मिलती है। मेंस एक्सपी की 2021 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पूजा की नेट वर्थ 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच थी। पिछले 2 सालों में ये और बड़ी ही होगी। इसके अलावा पूजा के पास एक ब्लू मर्सिडीज कार है। मुंबई के बांद्रा इलाके में उनका घर है। इसी घर की तस्वीरें कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये तस्वीरें खुद पूजा ने शेयर की थी। इसमें वो गौरी खान के साथ नजर आ रही है। गौरी ने ही उनके घर का इंटीरियर डिजाइन किया था। अक्टूबर 2021 को शाहरुख खान के बेटे आर्यन को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी ड्रग्स रखने के मामले में हुई थी। 2022 में NCB ने अपनी तहकीकात में पाया कि आर्यन के पास कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए थे। जब तक ये केस चलता रहा, पूजा NCB ऑफिस और कोर्ट में आर्यन से मिलने आती रही। सुनवाई पर शाहरुख और गौरी कम ही आते थे, पूजा ही कोर्ट के बाहर दिखती थी। आर्यन केस की 8 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पूजा उस वक्त मौजूद थी जब आर्यन को बेल नहीं मिली, तो पूजा इमोशनल हो गई। इससे अंदाजा लगाया गया कि पूजा का शाहरुख के परिवार और खासकर आर्यन के साथ काफी अच्छा बॉन्ड था। जिस बात के लिए पूजा सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो है आर्यन खान केस के स्वतंत्र गवाह किरण गुलसावी को दिए गए 50 लाख रुपए। हालांकि ये पुष्टि कहीं नहीं होती है, पर ऐसा इस केस के एक और गवाह सैम डिसूजा का कहना है। सैम ने ABP को दिए इंटरव्यू में बताया कि गुलसावी और पूजा के बीच एक डील हुई ताकि आर्यन जेल न जाएं। सूत्रों के मुताबिक आर्यन को छोड़ने की कीमत 25 करोड़ तय हुई। बाद में मामला 18 करोड़ पर आकर थमा। गोसावी ने पूजा से 50 लाख टोकन मनी के तौर पर लिए। डील ये हुई थी कि आर्यन खान को जेल नहीं जाने दिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए गोसावी को पैसे वापस करने पड़े। इंडिया टुडे के अरविंद ओझा के मुताबिक गोसावी ने 50 लाख में से 38 लाख वापस किए और 12 लाख ये कहते हुए वापस नहीं किए कि वो पैसा समीर वानखेड़े के पास पहुंच गया है, अब वापस नहीं हो सकता। पहले इस डील में समीर वानखेड़े की कोई भूमिका नहीं बताई गई थी। अब CBI के द्वारा कहा गया कि सैम और गुलसावी दोनों समीर वानखेड़े के निर्देश पर ही काम कर रहे थे। इस पूरे केस के दौरान पूजा ददलानी दिखाई देती रहीं। उनकी कई मास्क लगाए तस्वीरें आईं। उन्हें कोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया। जब आर्यन खान को बेल मिली तो एक और तस्वीर आई। इसमें शाहरुख खान आर्यन का केस हैंडल करने वाली लीगल टीम के साथ दिखाई देते हैं। इसमें भी पूजा ददलानी शाहरुख के बगल में खड़ी हुई नजर आती हैं। तो लब्बोलुआब ये है कि पुरुष प्रधान पेशे में किसी महिला का होना कोई आम बात नहीं है, वो भी इतनी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, इतने बड़े स्टार का कामकाज संभालना। इसके लिए पूजा ददलानी की तारीफ तो बनती है।
आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी अनुभव ने। मैं हूं गरिमा। सिनेमा जगत की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।